when you order trail from the Raj. तो गिरने का तो मसला नहीं है, बस ये है कि सही चल जाए। ये साइड पे देखा है ना, बिल्कुल इस तरह की रोड थी, इस तरह भी नहीं थी, ये तो इन्होंने पत्थर साफ कर दिए। ओहो, ये भाई साहब तो इधर नहा रहे हैं, दो नंबर थिंग। ये पीछे फैसल भाई का और बाकी लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। जितने भी घर जो चीज भी है सब इंडिया नाको वाइट कश्मीर है, वो सामने इंडिया का झंडा लगा हुआ है बिल्कुल सामने। ये सामान है यार, पता नहीं हमने किधर रखा हुआ था इतना सामान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स, होप तो सब ठीक होंगे। तो भाई एक और टूर हमारा स्टार्ट हो गया है, फुली एडवेंचरस टूर। इस दफ़ा हम सिर्फ तीन बंदे जा रहे हैं, मैं हूँ, फैसल भाई हैं और हमारे साथ आसिफ भाई हैं। और इस दफ़ा मज़े की बात, आसिफ भाई का ट्रेल है, इस दफ़ा मेरे साथ भी ट्रेल है। हाँ, ये एक स्मॉल ट्रेल भी है, ये फैसल भाई लेके आए, इनका ऑफ रोड बाइक है। When you order trail from the Raj. Online मंगवाया था ये मैंने, इस तरह का मंगवाया था दराज वालों से और ये भेजा इन्होंने 1-2। तो यार आज बड़ा मजे का टूर है हमारा, जा रहे हैं हम बबून टॉप जाने हैं। वैसे हमने आज रुके हैं, ये कल हमारा बबून टॉप है और सुनने में आया है कि बड़ा ही खतरनाक इलाका है और ट्रेल पे मेरा फर्स्ट टूर है। तो आई होप सो के कहीं गिरू शिरू ना गिर, तो गिरने का तो मसला नहीं है, बस ये है कि सही चल जाए। मैंने बाइक के रैक्स भी बनवा लिए थे यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। सुबह के तकरीबन 7:15 हो रहे हैं, मज़ेदार किस्म का मौसम है इस साइड से, हो रहा है सनराइज ज़बरदस्त किस्म का और मज़े मज़े की हल्की हल्की ठंड सी है। ओके भाई, नाश्ता नुश्ता हो गया, अभी हम मरी एक्सप्रेसवे पे ही हैं। यहाँ पे कुछ बाकी बाइकर्स भी मिल गए थे, बाकी बाइकर्स भी हमें मिल गए थे, जिसकी वजह से फिर हम उधर रुके पिंडी के बाइकर से। असल में यहाँ पे कश्मीर में एक है नांगा पीर, जिस तरह तोली पीर, गंगा चोटी, इस तरह का एक टॉप है नांगा पीर। सो वहाँ पे एक इवेंट रखा है टूरिस्ट पुलिस वालों ने कश्मीर का, तो सब ग्रुप्स को इन्वाइट किया हुआ था, हमें भी इन्वाइट किया हुआ था, लेकिन हम जा रहे हैं बबून टॉप, हमारा वहाँ का टूर था, इस वजह से हम इनको शायद ना ज्वाइन कर पाएँ। यहाँ से कोला तक तो हम इनके साथ ही जाएंगे। मरी एक्सप्रेस वे पे राइडिंग माई टार्जन फॉर द फर्स्ट टाइम, मज़ा आ रहा है यार, कंफर्टेबल सुपर। कोला ब्रिज पे तकरीबन हम पहुंचने वाले हैं और पहले हम ये ऑफ रोड करके जाते होते थे यहाँ से। ये साइड पे देखा है ना, बिल्कुल इस तरह की रोड थी, इस तरह भी नहीं थी, ये तो इन्होंने पत्थर साफ कर दिए, पहले बहुत पत्थर थे। अब देखें किस तरह प्लेन रोड हो गई है, चेक करें यार कितने मज़े की रोड बन गई है। ये पीछे फैसल भाई का और बाकी लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। असल में ये एक नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है नांगा पीर और वर्ल्ड टूरिज्म डे भी आ रहा है परसों, तो इस वजह से ये इवेंट रखा हुआ है टूरिस्ट पुलिस वालों ने, तो हमें भी बुलाया हुआ है, लेकिन हमारा अभी फिलहाल बबून का प्लान है। ये हमारे शायद भाई टूरिस्ट पुलिस की तरफ से, जो कि सारा ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, अगर आप टूरिस्ट पुलिस वाले पेज को फॉलो करेंगे तो ये आपको नज़र आएंगे। शायद भाई क्या बताएं हमें इस इवेंट के बारे में। जी बिल्कुल, ये जो इवेंट है 27 सितंबर, जैसे ऑलमोस्ट जो लोग टूरिज्म पे काम करते हैं उनको पता है कि 27 सितंबर पूरी दुनिया में टूरिज्म का डे सेलिब्रेट किया जाता है,
और इस वक्त इस 2022 में ये बाग नांगा पीर एक न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाएगा इवेंट। और अभी हम कोहाला मौजूद हैं और एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे बाइकर्स, टूरिस्ट एक्टिविस्ट, माउंटेनियर्स, सेलिब्रिटीज़ यहाँ से हमें ज्वाइन करेंगे और यहाँ से एक पैक राइड जाएगी धीरकोट, हंस चौकी, रंगला, बीस बगला, नांगा पीर और मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को ने वेलकम के इंतजाम किए हुए हैं, लोगों ने रिफ़्रेशमेंट्स के इंतजाम किए हुए हैं, खाने के इंतजाम किए हुए हैं और लोग बड़ी बेताबी से इस राइड का इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ स्पॉट्स पे वेलकम भी किया जाएगा और भरपूर टूरिज्म एक्टिविटी होने जा रही है कश्मीर। टूरिस्ट प्लीज़ को हम कहें जी बाय बाय, क्योंकि उनका भी फंक्शन चलेगा, केक कटिंग सेरेमनी होगी, काफ़ी लंबा सीन है, सो इस वजह से हमारे पास टाइम कम था तो हम जा रहे हैं आगे। वो ब्रिज चेक करो यार, ओह फुल यू क्या सी टाइप, इसको बाइक जा सकता है? नहीं जा सकता, लकड़ी का पुल था, आई डोंट नो जा सकते कि नहीं। मुजफ्फराबाद 25 किलोमीटर लेफ्ट। बाद हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, दिन का खाना भी खा लिया है और वीडियो बनाने की याद ही नहीं रही, बिल्कुल ही याद नहीं रही, इतनी सख्त भूख लगी हुई थी कि जब बाहर आया हूँ बाइक स्टार्ट किया फिर याद आई है। लेकिन यार चेक करो सामने व्यूज़, काफ़ी मज़े के व्यूज़ आ गए, लेकिन गर्मी है यार यहाँ पर, मुजफ्फराबाद में दबा के गर्मी थी और यहाँ पर भी वही है, ऊपर मरी का जो वेदर था ना मज़े का। छोटी सी वाटरफॉल नज़र आई है, यहाँ पे रुक गए, बड़ी सख्त गर्मी है, दुबा की गर्मी है, कहूँ अच्छा धोते हैं और ये रुमाल में इसलिए नहीं उतारा क्योंकि बालों की हुई है बुरी हालत, इस वजह से रुमाल उतारा तो बाल यूँ जा रहे होंगे। खैर अभी मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश होते हैं, बड़े मज़े की छोटी सी वाटरफॉल है तो इसी रोड से अंदर करके। ओहो ये भाई साहब तो इधर नहा रहे हैं। उस साइड पे व्यू चेक करो यार, क्या खूबसूरत किस्म का मेडो सा बना हुआ है, वाह और नीचे से फुल दरिया भी जा रहा है और उस साइड से रोड भी जा रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। अब वो रोड पता नहीं किस साइड पे जा रही है। ऑफ रोड पे हल्का सा भगाया, आए आए आए, ट्रेल ने मज़ा करवा दिया यार, हल्की हल्की प्रैक्टिस भी हो रही है क्योंकि कल का जो ऑफ रोड है ना वो इससे कई दर्जे बड़ा है, क्योंकि अभी तक इस पर ऑफ रोड मैंने किया ही नहीं हुआ समझो। अभी हम बिल्कुल LOC मेन LOC पे राइड कर रहे हैं और वो सामने वाली साइड जो है जितने भी कार जो चीज़ भी है सब इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मीन्स के हमारी राइट साइड पर है इंडिया, ये कश्मीर और पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है और उधर नीचे लगा हुआ है इंडिया का झंडा, जो कि आगे कहीं से शायद अगर हम रुकते हैं तो मैं दिखाता हूँ, वो सामने इंडिया का झंडा लगा हुआ है बिल्कुल सामने, शायद नज़र आ रहा हो, इंडियन रोडें नज़र आ रही हैं, बंदे भी नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, दुकानें भी नज़र आ रही हैं, हर एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से। कुटन वाली साइड पे हम मुड़ गए और दरिया बिल्कुल तकरीबन ऑलमोस्ट लेवल पे आ गया है, ये चेक करें बिल्कुल साथ ही दरिया जा रहा है और इतना साफ पानी ग्रीनिश टाइप का, और साथ ही साथ जैसे ही मुड़े
अभी 5 मिनट की ड्राइव भी नहीं की, मौसम जो है थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग पड़ा है। आई होप कि आगे ज़्यादा ठंडक होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि हम दरिया के बिल्कुल करीब आ गए तो शायद थोड़ी बहुत ठंड आ रही हो, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा होता नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं जगरा में और स्टे यहीं पे कर रहे हैं। होटल हम लोगों ने ले लिया है, अंदर रूम है, दोनों बंदे सो रहे हैं। मुझे भी सख्त नींद आई हुई है क्योंकि हमने एक तो राइड सुबह जल्दी स्टार्ट की थी, ऊपर से थक सक गए, और खाने का तो हमने बता दिया इनको कि 7-8 बजे दे देना। टाइम अभी तकरीबन 5:30 हो रहे हैं, तो मैं भी घंटा देर नींद करता हूँ। अभी यहाँ पे बड़ा मज़े का व्यू है, थोड़ी देर पहले ही सनसेट हुआ है, बाइक वगैरह हम लोगों ने नीचे खड़े कर दिए, नींद छीन कर लिया। तकरीबन आधे घंटे की मैंने नींद की है और उसके बाद गप्पे शप्पे मारी हैं। अब बिजली भी आ गई है, पहले लाइट नहीं थी यहाँ पे, ये मसला भी होता है। और राइडर्स वापस तैयार हो चुके हैं रात के 8 बजे यार बाहर जा रहे हैं, असल में साथ ही बाजार है वहाँ पर जा रहे हैं, थोड़ा हमने कहा घूम फिर आते हैं। और सर्दी है सख्त किस्म की, इस वजह से फिर जैकेट वगैरह हमने वापस पहन लिए। ओए इसको ताला ही नहीं है यार। सामने लगा हुआ है पाकिस्तान इंडिया का मैच और यहाँ पे आ गया जी हमारा खाना, जबरदस्त किस्म का। ये कौन सी दाल है जी? अच्छा चना और मूंगी की मिक्स है, और साथ गरम गर्मा गर्म रोटियाँ। आसिफ भाई से रहा नहीं गया। जो मर्जी करो, रोटी रोटी है, रोटी है, सही बात है यार। खाना पीना कर लिया है, बस खाना नॉर्मल ही था। बाकी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है, बाइक्स पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितना सामान था, और अभी रूम की हालत देखें, ये सामान है यार, पता नहीं हमने किधर रखा हुआ था इतना सामान। फैसल भाई आपकी कैसी रही राइड? जबरदस्त एंजॉय, फुल मजा आ गया राइड का। ये तो आपसे सुबह पता लगेगा, ये तो आपसे कल भी पूछेंगे। आपकी कैसी रही? अभी तक आपको तो टेंशन ही नहीं है, अभी तक बेहतरीन है, और इंशाल्लाह कल इससे भी ज्यादा मजा आएगा, इससे अच्छा। कल बस फाइनल डे है जो हमने कबूल करना है। खैर यार अभी हम जा रहे हैं नीचे, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच लगा हुआ है, तो हम मैच इंजॉय करते हैं। और आई होप सो कि आप लोगों ने ये वाला व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद दैट सेड, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।